ओम शांति। आज योग का विषय रहेगा मैं आत्मा, मास्टर प्यार का सागर हूं। जैसे बाबा प्यार के सागर हैं, ऐसे हमें भी वह मास्टर प्यार का सागर बना रहे हैं। हमें ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जहां सभी का आपस में आत्मिक स्नेह रहता है। अभी हम ईश्वरीय विद्यार्थी बने हैं, तो यह स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। हमें पढ़ाने वाला पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक और गुरुओं का गुरु स्वयं सतगुरु शिव बाबा हैं। उनसे जो भी शिक्षा मिले वह मुझे धारण करनी है, उसी में मुझ आत्मा का कल्याण है। साकार मुरली में आया था, मीठे बच्चे तुम्हें किसी का भी विरोध नहीं करना, अंदर में कोई के प्रति भी नफरत ना हो, क्योंकि नफरत करने वाला तो कलयुगी नरकवासी होता है। सदा स्मरण रहे हम सतयुगी देवी देवता बन रहे हैं। अभी हमें समझ मिली है कि सारा विश्व एक परिवार है, हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। हमारा आपस में रूहानी स्नेह का नाता है। ईश्वरीय संतान होने के नाते उनके गुण, उनकी शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान हैं। हम भी शिव बाबा के समान मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्व गुणों से संपन्न हैं। याद करें भक्ति मार्ग में ईश्वर की कितनी महिमा गाते आए थे। वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, दुख हर कर सबको सुख देने वाला है। वह अभी सुख की नई दुनिया स्थापन करने आया है। हमारे लिए कितने हर्ष की बात है कि इस शुभ कार्य में उसने हमें भी साथ ले लिया। हम खुदाई खिदमतगार बने हैं। कितना बड़ा टाइटल मिला है हमें। तो अपने दिल से पूछें, क्या हम अपना कर्तव्य अच्छी रीति निभा रहे हैं? इस ईश्वरीय कार्य में मददगार बन बाप समान सबको सुख देते हैं। क्या हमारा सबके साथ प्रेम है? ऐसा तो नहीं कोई के साथ बहुत स्नेह और कोई के प्रति अशुभ भावना आ जाती हो।
ईश्वरीय महावाक्य याद रखें कि अगर कोई बाप के मददगार नहीं बनते, आपस में एक दूसरे से प्रीत नहीं रखते और विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो ध्यान रहे शास्त्रों में विपरीत बुद्धि के लिए क्या गायन है। विपरीत बुद्धि होना देवता बनने वालों के लक्षण नहीं है। हमें तो प्रीत बुद्धि बन सबसे प्रीत निभानी है, सबको सुख देना है। दुख देने का ख्याल भी मन में ना आए तो आओ कुछ सेकंड के लिए अभी विश्व की आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सुख शांति का दान दें। फील करें हम ग्लोब के ऊपर बैठे हैं, मन में विचार चलाएं सारे विश्व की आत्माओं का भला हो। सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त और शोक मुक्त बन जाएं। जरा सोचो, आधा कल्प विकारों के वश होकर हम सबको दुख ही देते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। अब हमें सत्य का मार्ग मिला है, सत्य ईश्वर मिला है। वो जैसे कहें हमें उनके श्रीमत प्रमाण ही चलना है। ईश्वरीय आज्ञा है कि बच्चे अब डबल अहिंसक बनो, न काम की हिंसा न क्रोध की। स्वयं को बार बार याद दिलाएं, मैं परम पवित्र शिव बाबा की संतान हूं। ऐसे कभी नहीं कहना कि बाबा मैं अभी पुरुषार्थी हूं। कभी कभी गलती हो जाती है, नहीं यह कभी कभी शब्द भी अब छोड़ दो। आखिर कब तक इस दुखदायी संस्कार को नहीं छोड़ेंगे, कब तक? स्वयं से स्वयं ही पूछे, आज यह डेट फिक्स कर ले, हम कब छोड़ेंगे दुखदायी संस्कार? हमें याद रखना चाहिए सुखदायी संस्कार वाले देवताओं की दुनिया आ रही है, बहुत नजदीक है वो, और हमें उस दुनिया में चलना है तो जितना शीघ्र हो सके स्वयं को परिवर्तन कर लें। उन देवी देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण कर लें
क्योंकि दैवी संस्कार वाली आत्माएं ही उस दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। उनके समान बनने के लिए आओ अपने आदि स्वरूप को याद करें। उस स्वर्गिक दुनिया की स्मृति में खो जाएं। याद करो वहां पूरी सृष्टि पर सभी प्राणी मात्र का आपस में कितना स्नेह था, प्रकृति के प्रति भी कितना आदर भाव था, सम्मान था। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहां, है मजहब होता एक वहां, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश, सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है, उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुश
खुशियों से भरे दिन रात हैं। मैं कैसे करूं बखान तेरी खूबसूरत जन्नत का, मैं कैसे करूं बखान। हमें अब ऐसा ही बनना है, यहीं पर बनना है, सत्युग में नहीं। आओ स्वयं की जांच करें और देखें, जब से हम बाबा के बने हैं हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। ऐसा तो नहीं जैसे पहले थे वैसे के ही वैसे अब संस्कार हैं? आज भी वही हमारा स्वभाव हो? ऐसा तो नहीं छोटा सा पेपर आए और तुरंत हमारा वही पुराना स्वभाव इमर्ज हो जाए कुछ सेकंड के लिए? अपने अंतःकरण में झांक कर देखें, क्या हम निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब में समान रहते हैं?
हम योगी आत्माएं हैं, प्रभु को याद करने वाले तपस्वी जन हैं। क्या यह याद रहता है? श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि योगी जन सदा हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं, अचल रहते हैं, उनकी स्थिति कभी भी किसी भी हालत में डगमग नहीं हो सकती। अगर किसी के असभ्य व्यवहार से हमारा मन व्यथित है, बार बार किसी की कही हुई बातें मन को दूषित कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, तो आज वह सब बातें बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। कुछ भी व्यर्थ या नकारात्मक अंदर ना रहे। मन को ऐसा स्वच्छ मंदिर बना दें जहां भगवान वास कर सके। याद रहे, जहां व्यर्थ बात होती है वहां समर्थ बाप नहीं होता। तो आइए मन के अंदर किसी के प्रति भी अगर कोई कड़वाहट है तो आज उस कड़वे अक के फूल को शिव बाबा पर अर्पित कर दें। एक एक करके सारी कमी कमजोरियां बाबा को सौंप कर बिल्कुल लाइट हो जाएं। ये तो सुना है ना कि बाप को सुनाने से आधा माफ हो जाता है, तो फिर क्यों ना आज बाबा को सब सच सच सुना दें। अगर यहां बाप को सुना देंगे तो धर्मराजपुरी की सजाओं से छूट जाएंगे। जो स्वयं को भगवान पर संपूर्ण रूप से
स्वाहा कर देते हैं, निरंतर ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं, वो सदा सेफ रहते हैं। तो हमें सदा यही रूहानी नशा रहना चाहिए कि तीनों लोकों में जो सबसे उच्च अथॉरिटी है वह मेरा हो गया। मैं सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर बाप का बच्चा बन गया। अब मुझे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, जैसे मेरे बाबा प्रेम के सागर हैं, ऐसे हम भी प्रेम से भरपूर गंगा बन जाएं, सबको ईश्वरीय संदेश देकर सभी की आत्मिक ज्योत जगा दें। यही तो है हमारा कर्तव्य। कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भले ही बाबा कहते हैं कि मैं कोई को आशीर्वाद नहीं देता, सिर्फ ज्ञान देता हूं, वो भी सबको एक समान, लेकिन यह सच्चा गीता ज्ञान जो बाप हमें दे रहे हैं, वास्तव में यही उनका सच्चा प्यार है, यही उनकी आशीर्वाद है। यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए अमृत समान है, जो हमें सदा सदा के लिए अमर बना देता है। इसी की तो यादगार गीत बने हुए हैं। क्या गाते हैं? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, इस ज्ञान की एक बूंद भी अगर कोई धारण कर ले तो भी वह स्वर्ग के सुख प्राप्त कर सकता है। भले ही ज्ञान की एक बूंद पाने से भी सदगति हो जाती है, स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन यह भी सत्य है
कि श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें स्वयं के पुरुषार्थ से ही स्वयं को राज तिलक देना है। अपनी चेकिंग खुद ही करें, स्वयं से पूछें, क्या मैं बाबा का सपूत बच्चा बना हूं? सदा फरमान बरदार होकर चलता हूं? चेहरे और चलन से और अपने हर कर्म से सबको बाप का पैगाम देता हूं? मैं आत्मा जब से बाबा का बना हूं, मेरे अंदर कहां तक परिवर्तन आया है? कितने दैवी गुण आए हैं और मेरा स्वभाव कितना मीठा बना है? ये सब हमें जांच करना है, और अगर कोई कमी है तो आज ही दृढ़ संकल्प द्वारा उसको मिटा दें।